गाइस ये बिल्कुल सही वक्त है, एक मिनट गाइस ये बिल्कुल सही वक्त है, एक मिनट, मेरे बाल से खराब हो रखे हैं यार। तो यार ये बिल्कुल सही वक्त है क्योंकि यार अभी रात के कुछ 3:11 और ये बिल्कुल सही वक्त है एक हॉरर गेम खेलने का, क्योंकि यार मेरी ना मुझे एक अजीब सी आदत लग गई जिसमें ना मुझे अब हॉरर गेम से डर लगता ही नहीं है। सो गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं एक हॉरर गेम जिसका नाम है प्यारी नानी, हमारी नानी जी का अड्डा है, विला है, सॉरी विले नहीं होता है, विला होता है। सो ये वेलकम लिखा है हमारे लिए, वेलकम वेलकम करके रखे हैं, बढ़िया बात है यार, वेलकम है हमारे लिए, चिपका लो। वो यहाँ पे प्रोलोग चल रहा है, हम लोग वैसे करना है क्योंकि यार इसका नेम रॉबरी है तो शायद हम लोग को कोई रॉबरी करनी है, और इसमें कोई डायमंड, हम लोग मुझे जहाँ तक पता चला इसमें कोई डायमंड है, वो दरअसल मैन ये हमारे नोबिता के ये जो गोल्ड डिगर है शिज़ुका, उसने डायमंड भिड़ाया है। अब हम लोग आए हैं नोबिता का रूप लेके उसके घर से डायमंड भिड़ाने, और ये एक मिनट पीछे कुछ और आया है, दरवाज़ा बंद हो गया। कोई अंदर गया, तुम लोग ने देखा कोई अंदर गया, कोई अजीब सा उसके पीछे से पता नहीं व्हाइट व्हाइट क्या ब्लू येलो येलो कुछ आ रहा था। ओके फाइंड द नानी डायमंड एंड गेट एस्केप होता है यार, क्या तुम लोग इंग्लिश कर रहे हो यार, मुझसे ट्रेनिंग ले लो, मैं ट्यूशन टीचर रह चुका हूँ, मैं तुम्हारी इंग्लिश ठीक कर दूंगा अगर गड़बड़ा रहे तो। ओ ये क्या है गाइज, ये है एक खूब बैटर या लुल ऑटोमेटिक, और ये चाबी अच्छा बैग वे की चाबी है, ये हम लोग वैसे एक मिनट हम लोग अभी नहीं लेते गाइस। सो हम लोग इधर चलते हैं, यहाँ पे कोई बैग वे का है, पीछे कोई पिछवाड़ा भी है क्या घर के पास? ओके पीछे से कोई, अरे चप्पल, ओ माय गॉड यहाँ पे तो हमारी चमड़े की चप्पल, कोई वो तुम लोग ने सुना कोई अभी क्या था, आ जा हिंदी में, ओ क्रीपी चप्पल, ओए चप्पल उठा ली हम लोग, ओए कोई भी आ मत जाना यार, मेरे पास चप्पल है, वर्ल्ड मोस्ट डेडलीस्ट वेपन में टॉप पे रैंक करता है, आ मत जाना, चमड़े की चप्पल से पड़ जाएगी ना पूरे बदन में 60 पड़ जाएंगे, 60 करके मारेंगे कभी ना। चप्पल अपने पेरेंट्स को नहीं मिलनी चाहिए, वो भी खास के बोर्ड एग्जाम के बाद, बहुत कसके लगती है, मेरे पास एक्सपीरियंस है ना तो इसलिए बता रहा हूँ तुम लोग को। ओए ये वॉल्व जैसे कुछ हम लोग वॉल्व का कर सकते हैं क्या गाइस? वो हम लोग वॉल्व का कर सकते हैं। अच्छा इसमें फ्लैशलाइट की बैटरी भी कम होती है, वैसे फ्लैशलाइट का कोई काम तो नहीं लग रहा है, हम लोग ऐसे ही खेलेंगे। मैंने इतने ज़्यादा हॉरर गेम्स खेली कि मेरी आँख ना टेलीस्कोप जैसी हो गई है, उसको ना सब चीज़ दिख जाता है मुझे अब। ओए कोई आ रहा है क्या सामने, आगे पीछे कोई है? नहीं है, मुझे डर नहीं लगा, और ज़ोर से जंप स्केयर देना था ना यार, इतने से कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ बिगाड़ो। टॉर्चर रूम की हम लोग की मिल गई, एक मिनट मैं करते क्या हूँ ना, इसको यहाँ पे थ्रो करते और ये टॉर्चर रूम की की उठाते और टॉर्चर रूम को खोल के देखते, पता नहीं उस टॉर्चर रूम में हो सकता है हमें कुछ प्लायर वगैरह से मिल जाए। ये नानी की सारी उंगली काट लेंगे अगर ये अच्छी नहीं हुई, अगर अच्छी हुई तो यार हम लोग इसी के पास रहेंगे ना, नानी अच्छी होती वो ना चुप्पे से ऐसे नीचे से ऐसे करके ना पैसे देती है। ये रहा हमारे टॉर्चर रूम, खोल दिया है हमने टॉर्चर रूम को गाइस, ये टॉर्चर रूम खोल दिया, और चप्पल एक और है, ये क्या है, कर्ज डॉल, कोई कर्ज डॉल है, और ये क्या है, चेयर वेयर गिरी, अरे ये चेयर वेयर अच्छे से रखो यार, टेबल एक के ऊपर एक क्या है। हम लोग पहले चप्पल ले लेते गाइस, ये चप्पल हम लोग का हथियार है, दिस चप्पल इज़ वेरी एसेंशियल। ओके अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है, कोई आवाज आओ यार, डरा रहे हो खाली, बस सस्पेंस बना रहे हो, धक्का धड़क यहाँ पे हो रहा है, मेरे को ऐसा धक धक सा हो रहा है, जल्दी जल्दी आ जाओ यार अंदर उधर साइड। ये क्या है, बीमल, अरे सही में बीमल है इस गेम में, सही में बीमल है, मतलब वो दिमाग में बीमल थूका है क्या? विमल थूका गया सब तरफ, सब लोग को लग रहा है हमारी नानी भी केसरिया बोलती है, उनकी भी जुबान केसरिया है, केसरिया तेरा डैश 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 आगे की लिरिक्स नहीं आती। चप्पल मारो यार, इसका दिल धक धक हो रहा है, यहाँ पे मेरा भी थोड़ा थोड़ा दिल धक धक हो रहा है, ये शोर इतना कर रखे ना, डरावना नहीं है कुछ, डर वर लग नहीं रहा है, खाई में शोर दुनिया भर का हो रखा है। ये भी एक बैटरी है, ये दरवाजा है, ये क्या है, ये कुछ है अननोन की, कोई अननोन की कुछ है, ये कोई अननोन रूम भी तब होगा। Why is their drawer doing there? Unknown room is unlocked. Unknown room हमने खोल दिया है guys, ये bed master bedroom, oh my god. ओए लल्ला लल्ला लोरी बोल रही थी यार, क्रिपी यार, इससे अब डर लगेगी थोड़ी थोड़ी, ऐसे अगर रहेगा ना तो मुझे अब इससे डर लगेगी, इतनी देर से नहीं लग रही थी, अब लगेगी डर। इधर हम लोग आते हैं फटाक से, विमल विमल पे पैर नहीं रखेंगे, विमल पे नहीं तो ओए कोई हु कह रहा है, पता नहीं पगली वो हमारी नानी की आंड कह रही है, क्या है कुछ है, ये क्या है, कर्ज डॉल नहीं डर, अरे हमने एक को कर्ज डॉल देखी थी नहीं देखी थी ना, हाँ अब सही है। हम लोग इधर से चलेंगे धीरे से, बस कोई ऊपर से आमद जाना, अंडी बंडी संडी जो हिदस आया वो डैश डैश समझ जाओ आगे की बात तुम लोग खुद से ही। इसको चल के यहाँ पे लगाते हैं गाइस, ओ कुछ दरवाजा खुल गया गाइस, ओके एक दरवाजा और कोई खुल गया पीछे, हिडन रूम ओपन, कोई हिडन रूम था, ये क्या है, यहाँ पे आग लगी हुई है, क्या है, क्या इंट्रैक्ट, होली फायर कुछ जादुई आग है, ये क्या है, सॉइल मिट्टी, जल पानी, और एक क्या है, ह्यूमन सॉइल अस्थि,
और ये क्या है, फायर अग्नि। हम लोग को शायद यहाँ पे आइटम्स लेकर आना पड़ेगा, पानी, सॉइल और अर्थ। अर्थ का क्या है, अस्थि है, और ये फायर है। फायर तो यहाँ पे हम लोग को, चलो इससे मिल गई। और हम लोग को शायद बाकी आइटम्स चाहिए होंगे, तो मैंने ना बाहर सॉइल देखी थी, मैं बाहर देखा था एक बार, चल के हम लोग ना वो सॉइल ले लेते हैं बाहर गार्डन में, बस सामने तो कोई आ मत जाना। सो गाइज, अब हम लोग ना ये मट्टी हम लोग ने ले ली है, आवाज आ रही है कोई। इधर से, इधर से जिगल देते हुए, दे जिगल, ओ माय गॉड, चकमा दे दिया है हम लोग ने नाना को। कौन देख लिया आप, कौन देख लिया, दो दो बंदे आ रहे हैं यार, सीन हो जाएगा। कोई तरह हमें बच के निकलना पड़ेगा, लपाक से भागो फुल तेजी से। जय हो, यहाँ पे बस मत आ जाना, तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे ना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आने ना, आ रहा है, आ रहा है, कोई आ रहा है, नाना आ रहा है, नाना आ रहा है, आ जा रे इधर से, एक मिनट, हम लोग इधर से ऐसे। नानी भी आ रही है, अरे दोनों आ गए यार, अरे यार नाना डांस कर रहा है पागल, तो निकाल के पागल की तरह। ओके, सो मैंने ना वहाँ पे बालकनी में एक को मग देखा था, मग से आई गेस हम लोग को पानी चाहिए होगा, हम लोग इधर चलते हैं। मग में शायद पानी होगा क्योंकि उसमें वाटर एलिमेंट बताया था, पानी इसमें है, वाटर मग, ये रहा वाटर मग, मैं इसी की बात कर रहा था गाइस। ओ माय गॉड, चांद देखो, ओ माय गॉड, चांद छुपा बादल में। अब ये उसमें अस्थियाँ बोली है, तो शायद ये नानी की अस्थियाँ हैं, क्योंकि नानी हम लोग की मर चुकी है, यानी कि मेरी शुजुका जो मैंने ही तब कही थी वो मर चुकी है। वैसे भी ये साली गोल्डीगर थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट या उसने मेरे डोरेमोन, मेरे बेचारे प्यारे दोस्त डोरेमोन का डायमंड चुरा लिया है। अब हम लोग उस डायमंड को लेने चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नाना है वो कहीं डेकी सुगी ना हो, क्योंकि वैसे भी जब देखो चिपकू उसके आगे पीछे खाली घूमता रहता है, चोंग नहीं तो। यार ये नानी भी जब देखो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, पता नहीं उसे क्या इंटरेस्ट है मुझमें। जानते हो ये बहुत ज्यादा हैंडसम और क्यूट सा लड़का तुम लोग को दिख रहा है घर में। ओ ये कौन सा नया जगह खुल गई, ये क्या है, कोई ये तो उस टाइम नहीं था, ये क्या है, यहाँ पे कुछ चमक रहा है, अस्थि। तो हम लोग ने ये अस्थियाँ ला दी है गाइस, यहाँ पे अस्थियों को डालते है, लगा दिया है अस्थियाँ। सोल ओरा अनलॉक्ड, अब क्या बच्चा हम लोग के पास, अब फायर, अब मुझे चाहिए है वो वुड जो मैंने पीछे छोड़ी है। पागल दिमाग खराब, मेरी हालत टाइट कर दी इसने, कवार ने, पगलू बुढ़ी हंस रही है। देखो देखो, आ जाओ इधर, हम लोग इसको ना चकमा देंगे ऐसे, बेलन लेकर आओगे, हम लोग डंडा से मारेंगे, हम लोग के पास भी पट्टे है, प्लैंक से टाइप मसल लेंगे तुम्हें पूरी तरीके से। ओए आ रही है, देखो दीवार पर चिपक रही है, दीवार पर चिपक रही है, उसका हाथ पैर इधर से आ रहा है, वो कुछ ज्यादा भूतिया है, वैसे ब्लास्ट भी हो सकता है। सो यार हम लोग हार मानने वाले में सर नहीं, हम लोग दोबारा से करके रहेंगे ही, आज तो ये डायमंड हम लोग घड़ा के रहेंगे, वो बात अलग है। ये डॉल ग्लिच हो गई है पता नहीं क्यों, वैसे ब्लास्ट भी हो सकता है। सो गाइस अब फट से चल के इसमें आग भी लगा देते हैं फटाक से, ये जय हो गई रिचुअल हम लोग की गाइस। सो हम लोग का एग्जिट खुल चुका है यहाँ पे, और ये डॉल अभी तक गई नहीं। सो गाइस अब हम लोग नानी का डायमंड उठा लेते हैं, नानी का डायमंड, ओ माय गॉड ये अजीब से बड़ा अजीब सा डायमंड है, लेकिन कोई बात नहीं, अब नानी का हम लोग पर डायमंड है, पैसा पैसा होगा। सो फाइनली हम लोग एग्जिट करने वाले हैं गाइस, और एग्जिट हो चुकी है, ओ माय गॉड। सो यार आज की इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग को ये मजा आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए होगे तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, ये फ्री है, तुम लोग को ऐसा फ्री के में कंटेंट मिलेगा देखने को। और क्या ना किया है, मैं चला इस डायमंड को बेच के पैसे कमाने और पीसी लेने। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इट्स रोस्टर साइनिंग आउट।